हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पना। पना को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। इसको हम खाने के साथ भी खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ आधा केजी आम को बॉईल करके रखा है। तो इसको मैंने एक सीटी लगाकर बॉईल कर लिया है। और मैंने यहाँ पर लिया है ये लगभग, मैंने यहाँ एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ही गुड़ लिया है मैंने। पना आम जितना खट्टा होगा हम उतना इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ मीठा कितना करना है आपको उसके हिसाब से। तो मैंने यहाँ लगभग एक पाव गुड़ को अच्छे से घोल के छान लिया है इसको मैंने। तो आप इसको चाहे तो गर्म पानी में भी बहुत जल्दी घोल सकते हैं। तो मैंने इसको घोल के अच्छे से छान लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। नमक हम डालेंगे 1 चम्मच, ये टी स्पून से मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक और शक्कर। आप बाद में टेस्ट भी कर सकते हैं जब पना तैयार हो जाएगा तो। और ये आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, और आधा चम्मच ही हम इसमें कच्चा जीरा का पाउडर डालेंगे। ये कच्चे जीरे का पाउडर है और ये भुने जीरे का। तो इसमें हम मिर्ची डालेंगे आधा चम्मच, और एकदम थोड़ी सी हल्दी लगभग 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे, और 1 चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे साबुत जीरा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना, और इसको हम घी में फ्राई करेंगे। तो ये मैं फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ। जो हम पना बनाएंगे उसको हम फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका जो पल्प है वो हम इसको दबा के अच्छे से पानी में निकाल लेंगे। तो अच्छा पानी ही हम यूज करेंगे जिसमें इसका पल्प हम निकाल के इसको एक बार ग्राइंड कर लें। तो चलिए हम इसका पहले पल्प निकाल लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसका पल्प निकाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है, और अब हम इसको एक जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो रेसे थे वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम गैस में एक पैन रखेंगे, और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी। थोड़ा सा हम और डाल देंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। घी जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, लगभग आधा चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे जीरा, और बाकी के मसाले भी हम जीरा के तड़कने के बाद एक एक करके डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो कर लेंगे ताकि ज़्यादा जले नहीं। तो जीरा पाउडर डाल देंगे हम, ये भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और अब ये नमक भी हम इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने आम का जो हमने पल्प पेस्ट बना के रखा है इसको भी डाल देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी हिला के इसी में डाल देंगे। और इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। जैसे ही ये पकने लगेगा तो हम इसमें गुड़ का पानी भी डाल देंगे जो हमने छान के रखा है। गुड़ की जगह आप शक्कर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा अच्छा रहता है अगर गुड़ डालेंगे तो। इसको हम थोड़ा सा बॉयल आने तक वेट करेंगे, उसके बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है, तो हम इसमें ये गुड़ वाला पानी भी डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे, फिर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम रखेंगे फ्रिज में। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको लगभग 8 से 10 दिन स्टोर भी कर सकते हैं, और इसको आप खाने के साथ खा भी सकते हैं। तो हम इसको बॉयल आने तक वेट करेंगे। तो ये देखिए गाइस, पना जो है वो पक चुका है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको इसी तरीके से अच्छे से खौला लिया है। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे और इसको गैस को बंद कर देंगे। इसको हम गर्म नहीं खाएंगे ना पियेंगे, इसको हम ठंडा होने के बाद ही पियेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार बना के जरूर ट्राई करें। इसको हम फ्रिज में रख देंगे लगभग 2 से 3 घंटे। थोड़ा जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम फ्रिज में रखेंगे।
तो ये देखिए गाइस, पना बन के तैयार हो गया है। इसको एक बार बना के जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं 8 से 10 दिन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बहुत कम टाइम लगा है। तो आप इसको बनाकर ट्राई करें।